नमस्कार। चुनावी माहौल में एक नई चीज आपके साथ लेकर आए हैं। अशोकनगर जिले के लिहाज से अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टियों ने जो उम्मीदवार इस बार जनता के सामने पेश किए हैं वो कम से कम राजनीतिक जो कार्य क्षेत्र में या अनुभव में बड़े ही परिपक्व लोग हैं। ज्यादातर लोग पहले जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके हैं। कई लोगों का तो राजनीतिक जीवन का अनुभव लगभग 4 दशक से भी ऊपर का हो चुका है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको एक से अधिक जो है चीजों में या एक से अधिक जगह जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करने का मौका मिला है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बड़े ही राजनीतिक रूप से संपन्न व्यक्ति विचारधारा के तौर पर और व्यवहार के साथ साथ उनके पुराना जो कैरियर भी है। अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो इन दोनों ही दलों ने अपने लगभग श्रेष्ठ प्रत्याशी तो दिए हैं, साथ ही पहले से इन लोगों को काम करने का मौका जनता भी दे चुकी है। एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो सबके पास राजनीतिक रूप से अलग अलग संस्थाओं में काम करने का अनुभव है। हम सिलसिलेवार तरीके से अगर इन लोगों के बारे में बात करें और देखें तो अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभाओं चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर, इनमें जो प्रत्याशी 8 प्रत्याशियों को हम इस समय ले रहे हैं, जरा इनके बारे में आप देखिए कि किस तरह से इनके राजनीतिक अनुभव है, इनने कब कब क्या क्या पद और क्या क्या राजनीतिक जो है व्यवस्थाओं में अपना काम देखा है। पहले अशोकनगर विधानसभा से ही शुरुआत करते हैं। अशोकनगर विधानसभा में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी ने जो प्रत्याशी दिए हैं लड्डूराम कोरी, पहले अशोकनगर से विधायक रह चुके हैं। वो विधायक रहने के पहले वो 5 साल जो है पार्षद के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो 2 पंचवर्षीय योजनाओं में उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करने का अनुभव है, चुनाव लड़ने का अनुभव है, जनता के बीच में जाने का अनुभव है। तीसरी बार वो फिर जनता के बीच में आए हैं और अब खड़े हुए हैं कि कैसे वो काम कर पाती हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी में और लंबे समय से कार्य कर रहे थे, कार्यकर्ता के तौर पर भी उनका राजनीतिक अनुभव खूब रहा है। जसपाल सिंह जज्जी की बात करें तो राजनीतिक रूप से अब तक के अशोकनगर जिले के सबसे चर्चित चेहरे हैं। अशोकनगर जिले के आज़ादी के बाद के या इस दौर की पीढ़ी के संभवतः वो अकेले और एकमात्र राजनेता हैं जो निर्दलीय रूप से जीत कर नगरपालिका जैसी एक महत्वपूर्ण जगह में पहुंचे और वहां 5 साल अध्यक्ष का काम किया। इसके पहले 5 वर्ष जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी रहे। तो ये भी अशोकनगर जिले में अभी तक की जो लगातार देखा जाए तो 2 बार काम करने वाले राजनेता के तौर पर वो नगरपालिका अध्यक्ष रहे। इसके पहले जनपद में भी 1 बार सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं और जीते थे। 1 बार वो कॉलेज जीवन जो होता है छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और छात्र संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा समय समय पर उन्होंने कुछ और चुनाव भी लड़े हैं मगर कुछ चुनाव हारे भी हैं। अगर हारे हुए चुनाव की बात करें तो उनके परिजनों के तौर पर जो उन्होंने चुनाव लड़ाए या मंडी में जो चुनाव लड़े उन चुनावों उनको मुंह की भी खानी पड़ी है। पिछली विधानसभा का चुनाव भी वो हारे हैं। तो राजनीतिक अनुभव के तौर पर एक बहुत समग्र व्यक्तित्व है और दोनों ही चीज़ों में बहुत समशीतोष्ण रहे हैं। ना तो हार बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर पाई है या बौखला पाए हैं उसको लेकर, और ना ही जीत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह या अतिरेक उनमें इस दौरान में आया है। तो कांग्रेस और बीजेपी के पास इस समय के जो उम्मीदवार हैं वो राजनीतिक जो कैरियर है या राजनीतिक अनुभव है वो लबालब भरा हुआ है। अब जनता तय करेगी कि आगे के लिए इनमें से दोनों में से किसको वो पसंद करती है। चलते हैं चंदेरी की तरफ। चंदेरी के जो 3 प्रत्याशी हैं तीनों ही प्रत्याशी बहुत गजब का जो है राजनीतिक अनुभव रखते हैं या राजनीतिक रूप से जनता के बीच में जा चुके हैं। हार जीत दोनों के बीच का फासला भी लगभग तय कर चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से आए भूपेंद्र द्विवेदी को इस बार टिकट दिया है। भूपेंद्र द्विवेदी बहुत युवा अवस्था से ही कांग्रेस की राजनीति करते रहे। इस चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उनको टिकट भी मिल गया। इसके पहले 2 बार दूसरे टर्म इस समय उनका चल रहा है और नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। 1 बार अपनी पत्नी को भी बना चुके हैं। ये तो संभवतः मध्य प्रदेश का अकेला उदाहरण है कि कोई पति पत्नी 3 बार लगातार किसी जो है नगरीय निकाय में एक साथ जो है अध्यक्ष का काम देख रहे हो। ऐसी स्थिति में जब 1 बार भी काम करना मुश्किल होता है तब 3-3 चुनाव लड़ना और जीतना यानी विशाल राजनीतिक अनुभव का एक मामला है उनके साथ। उनके साथ में जो दूसरे लोग हैं जैसे राजकुमार सिंह जो बागी हो चुके हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से और बीएसपी का दामन थामकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। पहले जो है विधानसभा में पहुंच चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, इसके बाद दूसरा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उसके पहले जनपद में भी जो है अपना कार्यकाल दे चुके हैं। तो राजनीतिक रूप से हार जीत का अनुभव है। इसके अलावा लोगों को काम कराने के या लोगों से जो है संवाद करने के भी उन पर अच्छे खासे अनुभव हैं।
कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो उनका लगातार का विधायक है, इसके पहले भी सिटिंग एमएलए है गोपाल सिंह चौहान। बहुत लंबा कार्यकाल जनपद अध्यक्ष के लिए उनका रहा, एक रिकॉर्ड है, एक लंबे कार्यकाल के तौर पर उन्होंने जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किया है। 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चंदेरी और मंगावली 2 अलग अलग विधानसभाओं से विधायक भी बने हैं। तो राजनीतिक अनुभव की अगर बात की जाए तो चंदेरी के जो तीनों प्रत्याशी हैं वो सबसे लबालब है राजनीतिक अनुभव में, या सबसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इसके बाद अगर मंगावली की बात करें तो मंगावली में जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं वो कांग्रेस की दलीय राजनीति से उपजे एक नेता हैं। पिछली बार उपचुनाव में वो विधानसभा में पहुंचे ब्रजेंद्र सिंह यादव, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर इस बार उनको जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चुनाव लड़ने का अनुभव है, उसके पहले भी 1-2 चुनाव स्थानीय स्तर पर या छोटी राजनीति में उन्होंने लड़े हैं। इनके विपक्ष में जो उम्मीदवार एक और सपक्ष से आए हैं उनके पास भी राजनीतिक तौर पर बड़ा अच्छा खासा अनुभव है। मलकीत सिंह भाजपा से बागी हो गए हैं और सपक्ष से इस समय मैदान में हैं। अशोकनगर जिले के सबसे चर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जिला बनने के बाद उनके कार्यकाल को बड़ा याद किया जाता है। उसके पहले भी जिला पंचायत में वो और उनकी पत्नी सदस्य के तौर पर भी रह चुकी हैं, तो जनता के बीच आने जाने का उनका पुराना नाता और रिश्ता रहा है। तीसरे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने, इन 8 प्रत्याशियों में सबसे कम या अपेक्षाकृत राजनीतिक अनुभव के रूप में सबसे कम है। कुछ समय पहले तक कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि होते थे, वर्तमान में उनकी पत्नी जिला पंचायत में सदस्य हैं। इसके अलावा उनका परिवार जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है, पर राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी संभवतः ये पहली होगी। पर युवा होने के नाते अगर देखा जाए तो इनका शुरुआत हो रहा है। तो समग्र अगर बात करें अशोकनगर जिले की तो राजनीतिक रूप से बड़े ही सक्षम व्यक्तियों को राजनीतिक दलों ने इस बार उठाया है। अब देखना होगा कि किस पार्टी के लोगों पर जनता विश्वास जताती है।